नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आराध्या गौतम। आप सभी का स्वागत करती हूं वी नेचुरल चैनल पर। दोस्तों, मनोकामना पूर्ति के कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो कि आपकी मनोकामना को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ या फिर टोने टोटके हुए, ये सभी वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रदोष के दिन करने वाला उपाय बता रही हूँ। जी हाँ, जब भी महीने में प्रदोष आता है, महीने में दो प्रदोष व्रत आते हैं, इस प्रदोष व्रत के दिन अगर आप इस उपाय को कर लेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। प्रदोष का अगर आप व्रत करते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष के दिन अगर हम इस उपाय को करते हैं तो हमारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी होती है, क्योंकि ये जो दिन होता है ये भोलेनाथ का दिन होता है। इस दिन कहा जाता है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करके, भोलेनाथ को खुश करके हम हमारी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं, हम हमारी मनोवांछित इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो प्रदोष के दिन क्या उपाय करना है, कोई भी ज्यादा झमेला नहीं है, कोई तामझाम नहीं है। सिर्फ आपको भोलेनाथ के मंदिर में दो चीजें अर्पित करना है, दो चीजें अर्पण करना है भोलेनाथ के ऊपर, मतलब शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है दो चीजें। अब वो दो चीजें क्या है, आपको लेकर जाना है एक तांबे का लोटा। ठीक है, तांबे के लोटे में आप जल ले लीजिए। ठीक है, शुद्ध जल लें। शुद्ध जल से यहाँ पर मतलब है ताजा पानी। ठीक है, तांबे का लोटा ले लें आप। तांबे का लोटा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं या फिर अपने इच्छा के अनुसार कोई भी लोटा ले सकते हैं। उसमें आप जल ले लीजिए, शुद्ध जल मतलब ताज़ा पानी। अब इसमें आपको ले लेना है एक चम्मच चावल और एक चम्मच हरे मूंग। ठीक है, हरे मूंग जो कि साबुत मूंग जिसे कहा जाता है। जल में आपको डाल लेना है चावल और हरे मूंग। ठीक है, इन्हें आप डाल लीजिए और फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आप इस जल को, ये जो तांबे का जल लोटा लिया है हमने, इसमें जो जल है, चावल और जो मूंग के दाने हैं और जो हरे मूंग हैं, इन्हें आपको अर्पित करना है भोलेनाथ के ऊपर। बस आपको इसे अर्पित करना है, आपको इसे चढ़ाना है और चढ़ाते समय मन ही मन में आपको अपनी मनोकामना भोलेनाथ से कह देनी है। आप खुद देखेंगे आपको इसका फल बहुत ही जल्दी मिलेगा। भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप चावल और मूंग नहीं भी ले जा पाए तो एक लोटे में सिर्फ जल ही अगर प्रदोष के दिन अर्पित कर देंगे तो वो भी भोलेनाथ को खुश करने के लिए बहुत ही कारगर है। भोलेनाथ के ऊपर अगर सिर्फ आप एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे, उससे भी भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी कर देंगे। और अगर आप चावल और हरे मूंग भी चढ़ाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। तो प्रदोष का दिन आने वाला है, आप जल्द से जल्द इस उपाय को करें और फिर खुद आप रिजल्ट देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह के कई सारे हेल्पफुल वीडियोस आपको वीडियो में लगातार आई बटन पर शो होते रहे हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देखना बिल्कुल ना भूले। चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।